हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको प्लास्टर कैलकुलेशन का कैलकुलेटर बनाना बताऊंगा एक्सेल में। जैसे अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर वाटर टैंक, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक, बीबीएस मतलब रिंग स्टीरअप्स, अब मैं आपको प्लास्टर कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं एक्सेल सीट पे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने आपको ये फॉर्मेट बना के रखा है, इसमें जस्ट हमको क्या पुट करना है, वॉल साइज। मैंने रेड कलर में वो पार्ट मार्क किए हैं जिनका हमको वैल्यू पुट करना है, बाकी किसी में नहीं किया है। ठीक है, तो हमको क्या है यहाँ पर पुट करना है, वॉल साइज। जैसे सपोज आपको 10 मीटर आपका वॉल है मीटर में, ठीक है, यहाँ 10 मीटर हमने लिख दिया, 10 मीटर उसकी विड्थ भी है, और यहाँ पर थिकनेस मुझे लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया 12 mm को प्लास्टर चाहिए। अब यहाँ पर मैंने रेशियो के बारे में लिखा है कि किस रेशियो से आपको प्लास्टर करना है। जैसे मैंने बोला कि 1:5 के रेशियो से अगर प्लास्टर करना है, ठीक है, तो जस्ट आपको बाहर क्लिक करने के बाद आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी कि आपको सीमेंट कितने बैग चाहिए, कितने क्यूबिक मीटर, कितना केजी, सैंड आपको क्यूबिक मीटर में कितना चाहिए, सीएफटी मतलब कि क्यूबिक फिट में कितना चाहिए, वॉल का आपको क्रॉस सेक्शन कि आपको लेंथ आपने कितनी चूज की थी 10 मीटर, आपने ऐसे में 10 मीटर, और ये थिकनेस ये आपने 0.12 मीटर चूज की थी। ठीक है, ये पूरा चीज आप एक्सेल में एक ऑटोमेटिक बना सकते हैं जिसमें आपको मैनुअल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइम आपका बचेगा। आपको अगर कुछ भी निकालना है कितने भी क्यूबिक मीटर, या आप जस्ट यहाँ पर क्यूबिक मीटर भी पुट कर सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम पता है कितने वॉल्यूम का आपको अगर प्लास्टर करना है, तो जस्ट यहाँ पर आप वॉल्यूम पुट करिए और आपको पूरी पूरी क्वांटिटी मिल जाएगी सैंड और सीमेंट की। ठीक है, मोटार कैलकुलेशन के बारे में बात करूँ तो ये चीज़ बनाना काफ़ी ही आसान है। इसके लिए आपको मैनुअल कैसे करते हैं ये बस पता होना चाहिए। अगर आपको ये मैनुअल कैसे करना है अगर आपको ये नहीं आता है, तो आप मेरे वेबसाइट पर जा सकते हैं, या आप मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेरा इस्टीमेट का जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये कैसे होता है मैनुअल मैं आपको एक बार दिखा दूँ। जैसा कि ये जो मैंने पोस्ट लिखा है, इस पोस्ट पर मैंने सेम वही चीज़ बताया है जो वहाँ पर एक्सेल में ऑटोमेटिक हो रहा है। ये पूरा आपका मैनुअल कैलकुलेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब मैनुअल कैलकुलेशन अगर आपने सीख लिया तो आप एक्सेल में बना सकते हैं। एक्सेल में बनाना काफ़ी ही आसान है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एक्सेल में आपको जैसा भी कैलकुलेटर बनाना है आप एक लेआउट रेडी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैंने रेडी किया, यहाँ पर प्लास्टर कैलकुलेशन कैलकुलेटर डाल दिया, वॉल साइज डाल दी, यहाँ पर वॉल्यूम, यहाँ पर ड्राई वॉल्यूम, रेशियो, सीमेंट, सैंड, जैसा भी आपको एक चाहिए वो बना लीजिए। लास्ट मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने जो एक सर्कुलर वाटर टैंक का मैंने ड्राइंग अपने एक्सेल में डाला था, लोग पूछ रहे थे ये आपने कैसे डाला। जैसे यहाँ पर मैंने एक वॉल का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ कि विड्थ, हाइट और ये थिकनेस, ये चीज़ कैसे डाली थी। इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए अपने, ठीक है, इंसर्ट में जाने के बाद, एक्सेल के इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ शेप मिलेगा। यहाँ शेप में आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे, तो आप जो भी आप चाहिए, तो यहाँ से देखिए मैंने ये लिया था, इस तरह करके मैंने वाटर टैंक बनाया था ये। ठीक है, बस इस तरह आप कुछ भी बना सकते हैं। ये सब येलो डॉट से आप इसकी थिकनेस, इसका क्रॉस सेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, मैं ये सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं आता हूँ मेन पॉइंट पे, इसको हम बनाएं कैसे। सबसे पहले लेआउट हमारा रेडी हो गया, जहाँ इनपुट करना वहाँ पर हम कोई फार्मूला लिखेंगे नहीं। जस्ट हमने फार्मूला कहाँ कहाँ लिखा, क्या क्या चेंज हो रहा है, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैं वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। तो किसी भी चीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता है कि L इंटू बी इंटू डी मल्टीप्लाई कराना है। जस्ट यहाँ पर आप इक्वल टू का साइन लगाइए, इसको चूज करिए, यहाँ पर स्टार, मतलब कि स्टार का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर यहाँ पर दूसरे सेल में क्लिक करिए, फिर स्टार लगाइए, फिर यहाँ तीसरे सेल में क्लिक करिए और इंटर दबा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया मीटर क्यूब। ठीक है, अब ड्राई वॉल्यूम के लिए मैंने क्या किया, जैसे कि कंक्रीट में 1.52 से लेकर 1.54 तक मल्टीप्लाई करते हैं अपना वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए, इसी तरह हमारा मोटार की बात करो तो मोटार का हमको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए 1.35 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी वॉल्यूम आया, वॉल्यूम क्या आया हमारा ये, तो मैंने इसको उठाया और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया किसका, 1.35 का, और क्लिक कर दिया, यहाँ पर ये वॉल्यूम क्रिएट हो गई। ठीक है, अब सीमेंट और सैंड, ये हमारा मैनुअल डालना है कि हम कौन सा रेशियो यूज़ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ मैंने कोई छेड़ा ही नहीं, इसमें कोई फार्मूला लगाया नहीं। आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई फार्मूला लगाया नहीं। अब सम और मिक्स, यहाँ पर मैंने फार्मूला लगाया, क्या लगाया है, जस्ट मैंने इक्वल का साइन लगाया, इसको क्लिक किया, प्लस का साइन लगाया, फिर इसको क्लिक करने के बाद इंटर प्रेस कर दिया, ये हो गया सम ऑफ हमारा मिक्स। ठीक है, अब मेन चीज़ मैंने सबसे पहले कन्वर्ट किया एम क्यू में। अब एम क्यू में कन्वर्ट करने के बाद देखो आपको इतने सारे फॉर्मूले लग रहे हैं। अब ये फॉर्मूले हैं क्या, कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे काम करता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं। इसीलिए सबसे पहले अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि ये आप एम क्यू में कैसे निकालेंगे, यहाँ तक तो सब कुछ ईजी था, अब एम क्यू में कैसे निकालना है, तो इसलिए मैंने आपको ये आर्टिकल जो अपना मेरा पोस्ट है मैंने खोला था, मैं साइड में ओपन कर लेता हूँ। ठीक, ये साइड में मैंने ओपन कर लिया,
तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, सीमेंट कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन फॉर सीमेंट वॉल्यूम। यहाँ पर सीमेंट वॉल्यूम निकालने के लिए इसने क्या किया, सीमेंट का रेशियो लिया 1, इसको डिवाइड किया किससे, सम ऑफ मिक्स से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमारा वॉल्यूम से, जो भी हमारा ड्राई वॉल्यूम आया। तो मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर हमको क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर जस्ट हमने इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया। कैलकुलेशन ज़्यादा होता है तो ब्रैकेट लगा के करने में ज़्यादा ईजी रहता है, आपको भी पता है बोर्ड मास का मेथड, ठीक है, तो वो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, आपको नॉर्मल बता रहा हूँ कि आपने ब्रैकेट लगाया, 1 क्लिक किया, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे आप किससे, सम ऑफ मिक्स से, ठीक है, सम ऑफ मिक्स, ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टार का साइन लगा किससे, ड्राई वॉल्यूम से, ये रहा हमारा ड्राई वॉल्यूम, और इंटरप्रेस किया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया 0.27। क्यों निकाल लिया, अब मैं निकालता हूँ केजी में, ठीक है। अब केजी में निकालने के लिए आपको क्या करना है, ठीक है, केजी में निकालने के लिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको पता है सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440 kg, मतलब सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है, 1440, ठीक है, तो जस्ट हम अपना जो हमारा क्यूबिक मीटर में आया उसको हम सीमेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ चीज़ को डिलीट करता हूँ, यहाँ पर मैंने किया इक्वल टू का साइन, यहाँ पर जो भी वैल्यू चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग ये सेल काम करेगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया किसका, ये हमारा सीमेंट की डेंसिटी, सीमेंट की डेंसिटी चेंज होती नहीं है, ठीक है, अभी तक तो चेंज नहीं हुई, तो हमारा हो गया इतना। किसी भी मटेरियल के वॉल्यूम में अगर आप उस मटेरियल का डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका केजी में वेट आ जाता है, केजी में मिल गया, बैग की क्वांटिटी कितनी आ रही है। तो बैग की क्वांटिटी आपको निकालने के लिए क्या करना है कि जो भी आपका केजी आया, जैसे आपको पता है एक बैग हमारा 50 kg का होता है, तो जस्ट सिंपल इक्वल टू का साइन, यहाँ से केजी उठाया डिवाइड कर दिया 50, ठीक है, ये आ गया हमारा 7.78। आप इसको राउंड फिगर में भी कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा अगर एक्सेल में और पता है तो आप इफ कंडीशन लगाकर राउंड फिगर माप करके इसको अप्रोक्स 8 कर सकते हैं, ठीक है, ये हमारा सीमेंट का कैलकुलेशन हो गया। अब सैंड का कैलकुलेशन कैसे निकालना है, तो सैंड के लिए मैं क्या किया, 1500 हमने मीटर क्यूब क्या है डेंसिटी सेंड की, ठीक है। अब यहाँ पर एम क्यू निकालने के लिए आपको ब्रैकेट का साइन, सॉरी इक्वल टू का साइन, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट में हम क्या रेशियो लेंगे, 5, 5 रेशियो लिया, डिवाइड करेंगे किससे, सम ऑफ मिक्स के बाद इतना, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, हमारा ड्राई वॉल्यूम से। लेकिन ड्राई वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्यूबिक मीटर में पता चल गया कि सैन हमारे कितने क्यूबिक मीटर लगेगा। अब सी एफ टी में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, इक्वल, जैसे 1 m³ को अगर मैं फीट में बदलूं, मतलब क्यूबिक फीट में बदलूं, तो 1 m³ इक्वल टू होता है 35.31 क्यूबिक फीट, ठीक है, क्यूबिक मीटर को सी एफ टी में बदल देना है। तो हमने यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ से इसकी वैल्यू उठाई और मल्टीप्लाई कर दिया 35.31, 35.31 क्या है, क्यूबिक फीट, मतलब कि 1 m³ में हमारा कितने क्यूबिक फीट आता है, 35.31, ठीक है। अब इंटरप्रेस कर दिया, जस्ट ये वैल्यू निकल गई हमारी, जो मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, जैसे यहाँ 5 डाला, यहाँ पर 6 डाला, तो ये चीज़ यहाँ कैसे चेंज हो रही है, तो जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाकर ये वाली वैल्यू ही उठा दी, ले एल, तो एल के लिए यहाँ करके इंटर, फिर यहाँ पर मैंने क्या किया, इक्वल टू का साइन लगा के यही वाली वैल्यू उठा दी ये, फिर यहाँ पर मैंने क्या लिया, इस वाले वैल्यू को उठा के यहाँ पर रख दिया। ये सिंपल सा कैलकुलेशन था, सिंपल सा कैलकुलेटर था, ये आप बना सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, बना सकते हैं आप किसी फ्रेंड को बनाकर दिखा सकते हैं, या फिर आप साइट पे काम कर रहे हैं, आपको ये वॉल्यूम निकालना है, ये सब निकालने में बहुत सारे रोज का काम है आपके लिए, तो आप एक कैलकुलेटर बना के आप रख सकते हैं कि आपको जो भी कैलकुलेट करना है फटाक से यहाँ वैल्यू डालें, पूरा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको मैनुअल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बना के आप सब कुछ का कैलकुलेटर बना के रख लीजिए। अगर आप बिलिंग का काम करते हैं, आप इस्टीमेट निकालते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ही काम आएगी। मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ मेरे वेबसाइट को ओपन कर बेसिक में जाकर वहाँ पर इस्टीमेट का ऑप्शन आएगा, बेसिक में जैसे आप जाएंगे इस्टीमेट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको अपना मोटार कैलकुलेशन वाला पोस्ट सेलेक्ट करना है, उसको ओपन करने के बाद आप अगर नीचे करेंगे, जैसे आप मेरा जो मैनुअल कैलकुलेशन है, तो पर एक एक्सेल शीट का आपको एक आइकन दिख जाएगा, आप एक्सेल शीट पर क्लिक कर दिए आपको फाइल डाउनलोड हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।